दूसरा ये है कि प्रार्थना करने से व्यक्ति को निराभिमानिता आती है, और किसी भी चीज को उपलब्ध करने के लिए निराभिमानिता का होना अति आवश्यक है। एडिशनल नहीं है, वो कंपल्सरी है। आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक में नहीं, लौकिक में भी। इसलिए मंदिरों के दरवाजे ना छोटे होते हैं हमेशा, जी, उसके गर्भगृह में जाते हैं तो झुक के जाना पड़ता है वहां पे। तो उसका अभिप्राय यही है कि यहाँ यदि सिर नहीं झुकाया, आपके अंदर निराभिमानिता नहीं आई, तो कितनी भी आपने उपलब्धियां की हैं वो सारी की सारी नष्ट हो जाएंगी। तो ऐसे हमारे पास उदाहरण है, हिरण्यकश्यप का उदाहरण है, रावण का उदाहरण है, तो उनके पास तो बहुत सब कुछ था। अगर कमी किसी चीज की थी तो वो एक ही चीज की कमी थी, श्रद्धा की, निराभिमानिता नहीं थी, अभिमान बहुत था। गीता में भी हम दैवी संपत पढ़ते हैं तो 26 गुण जो बताए हैं, ये जो धर्म के बारे में भी हम पढ़ते हैं ना, इसमें भी बड़ा भ्रम है, धर्म में भी भ्रम है। कोई कहते हैं इस्लाम धर्म श्रेष्ठ है, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म, धर्म के नाम पे ईसाई धर्म, पता नहीं कितने धर्म। धर्म जो बेसिक होता है वो सबका एक ही होता है। तो उसके 10 लक्षण मनु महाराज ने बताए, धृति क्षमा दमोस्तेम आदि, वो सबके लिए अनिवार्य हैं, चाहे कोई इस्लाम धर्म मानता है, चाहे वैदिक, चाहे सनातन, कोई भी धर्म मानता है, वो 10 गुण उसमें होने ही चाहिए। फिर उसी के ही 8 अंग जो यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें भी जो यम नियम है 10, वो मूल धर्म है जी। उसका पालन सबको करना पड़ेगा। गीता की भाषा में कहेंगे तो जो ये 26 गुण बताए दैवी संपत्ति की, तो वो सब में होना जरूरी है। तो ये है वास्तव में धर्म। तो धर्म सबका कॉमन ही होता है, तो उस धर्म के उसकी शुरुआत जो हुई वो अभय से शुरू हुई, अभयम, और उसकी समाप्ति हुई है नातिमानिता। तो उसके बीच में जितने भी गुण हैं वो सारे व्यक्ति प्राप्त करके यदि उसके अंदर अतिमानिता आ गई, अभिमान आ गया, तो वो सारे के सारे गुण नष्ट हो जाएंगे। फिर आपने जो 25 प्रकार के उसमें अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान है, योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जवम, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशनम, दया भूतेषु अलोलुप्त्वम आर्जवम ह्रीः अचापलम, तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोह नातिमानिता, यहाँ तक आई। तो ये सारे गुण आपने, अद्रोह, ब्रह्मचर्य सब आपने किया, लेकिन सारा करके अभिमान आ गया, मुझे भगवान की क्या जरूरत है, इसमें मेरे गुण है, ये मैंने प्राप्त किए हैं। तो फिर ये अतिमानिता उन सबको नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है। और फिर आपका ये प्रश्न था कि अकेले करें कि अलग अलग करें, क्योंकि प्रार्थना करते समय ये भी होता है कि एक व्यक्ति, मैं भी यहाँ भी देखती हूँ, कई बार मैं चुपके से देखती हूँ ऊपर से, कुछ बच्चे बहुत ऐसे तल्लीन होकर के बैठते हैं, उनको लगता है कि भाई जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना ही होनी चाहिए। जैसे अभी भी मैं देख रही हूँ, बच्चे सब सुन रहे हैं ना, तो कहने के लिए तो सब बच्चे यहीं बैठे हैं, लेकिन वास्तव में सब बच्चे यहाँ नहीं हैं, कोई तो वहाँ बंदर को देख रहा है, तो फिर एक ने देखा तो 8-10 देख रहे हैं, तो वो यहाँ होते हुए भी उनको नहीं पता हम क्या बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं वो ऐसे घड़ी को देख रहे हैं कि खाने का टाइम हो गया, तो वो किचन में पहुँच गए हैं। कुछ बच्चे अपने ग्लास को संभाल रहे हैं। अब कहने के लिए तो एक ही बात सबको कही जा रही है, लेकिन इसको ग्रहण करने के लिए सब अलग अलग ढंग से। तो बच्चों का जैसे प्रार्थना आदि भी करते हैं, तो कुछ बच्चे बहुत तल्लीन होके करते हैं, और कुछ बच्चे वहाँ भी मतलब अपने खेलते रहते हैं। तो जो तल्लीन हो रखा है उसको ये लगता है कि भई ये यहाँ ना आए तो ये अच्छा है, क्योंकि हाँ, हमें भी नहीं करने देते, डिस्टर्ब करते, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते। हाँ, ऐसे जो पढ़ने वाले बच्चे उनके पास आके कोई शैतानियां करते हैं तो उनको लगता है कि हम अकेले रहें तो अच्छा है। लेकिन अगर सारे के सारे बच्चे उसके महत्व को समझ जाएं कि ये यज्ञ हम क्यों कर रहे हैं। आपने जैसे पूछा कि सुबह सुबह उठते मंत्र पाठ की क्या जरूरत है,
उसकी आवश्यकता इसलिए है कि हमारी सृष्टि के मूल में संकल्प होता है। जैसा हम संकल्प लेते हैं ना, वैसी सृष्टि होती है। आप यहाँ आचार्य जी ने पहले संकल्प लिया कि एक ऐसा शिक्षण संस्थान बने, उसमें एक योग भवन ऐसा हो जहाँ योग कर सकें, डोरमेट्री ऐसी हो, कमरे ऐसे हों, यज्ञशाला ऐसी हो, दूसरे कमरे ऐसे हों, किचन ऐसी हो, तब ये बना है। तो पहले माइंड में क्या आया? संकल्प। पहले संकल्प, उसके बाद सृष्टि। उपनिषदों में भगवान ने पहले संकल्प किया, एको हम बहुश्याम, तो मैं कैसा हूँ, वो फिर सृष्टि बन गई। व्यक्ति शुरू में संकल्प करता है कि मुझे अभी साइंस साइड से पढ़ना है कि आर्ट साइड से पढ़ना है, कि म्यूजिक सीखना है या डांस सीखना है या व्याकरण पढ़ना है या आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है। पहले उसका संकल्प होता है, उसके बाद सृष्टि होती है। तो जैसा जिसका संकल्प वैसी उसकी सृष्टि। तो ये हमारे ऋषियों ने बताया कि यदि आपको इस जीवन का एक एक दिन और एक एक पल बहुत कीमती है, हमारे हाथ में आगे के लिए अच्छा प्रारब्ध बनाने के लिए और पीछे के हमारे दोष भरे जीवन को नष्ट करने के लिए सिर्फ एक ही दिन होता है। कल भी कभी नहीं होता है और बीता हुआ कल का भी अस्तित्व नहीं होता है, केवल आज का ही अस्तित्व होता है। ये तो हम व्यवहार के लिए प्रयोग कर लेते हैं कि बीते हुए कल में ऐसे हुआ और आगे आने वाले में ऐसे करेंगे, लेकिन वास्तव में जब भी अस्तित्व में हमारे सामने होता है वो आज का दिन ही होता है। तो वो अपने माइंड सेट को सुबह ही ऐसे एक मोड पे सेट कर लेते थे कि अब पूरा दिन हमारा इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे हमने यहाँ बाउंड्री बना रखी ना अपनी गुरुकुल की, कि सुबह से शाम तक जो भी एक्टिविटी होंगी वो इस सीमा के अंदर अंदर होंगी, इससे बाहर नहीं होंगी, इसके बाहर कोई नहीं जाएगा। तो सब यहीं रहते हैं, इससे बाहर का सोच भी नहीं पाते। तो ऐसे मानसिक रूप से भी हम सुबह उठते ही प्रातर अग्निम, प्रातर इंद्रम, हवा महे, प्रातर मित्रा वरुणा, प्रातर अश्विना, प्रातर भगम पोषणम, ब्रह्मणस्पतिम, प्रातः सौम मुत रुद्रम हुए, इतनी शक्ति हुए में मतलब बुलाते हैं। सुबह सुबह हम अग्नि को, मित्र को, वरुण को, सोम को, रुद्र को, इन सब को, अश्विनी को बुलाते हैं। और हम दिन भर कैसे रहेंगे? देवानाम सुमतौ स्याम, इन देवों की सुमति के अंदर रहेंगे, असुरों की कुमति के अंदर नहीं जाएंगे। तो एक सुबह संकल्प ले लिया, दिन भर व्यक्ति जाएगा ही नहीं। तो वहां कहा कि सुबह हूं इन शक्तियों के साथ, उतर मध्य अन्नाम, दिनों के मध्य भाग में, दोपहर में भी इनके साथ ही रहूंगा, शाम को भी इनके साथ ही रहूंगा। तो सुबह ही एक माइंड सेट हो गया। अगर हम उनका अर्थ पूर्वक मंत्र उच्चारण करें तो हमें दिन में कभी भी हताशा निराशा आ ही नहीं सकती है, कभी आलस्य प्रमाद आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने वो संकल्प ही नहीं किया था। फिर भी ऋषियों ने सोचा कि भाई मन जो है तो बहुत युगों से इसका अभ्यास ऐसे हो रखा है कि ये दूसरी दिशा में जाता है, तो हम ऐसा करें कि हर दो तीन घंटे के बाद याद दिला दें इसको। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं समझदार कि उनको एक बात आपने एक बार बताई फिर वो उसको रोज समझ जाते हैं। कुछ ऐसे उद्दंड होते हैं उनको थोड़ी थोड़ी देर में बताना पड़ता है, सीधे बैठो, चुप बैठो, चंचल घास मत तोड़ो, घास मत तोड़ो, आसन को मत तोड़ो, ग्लास को मत मोड़ो, ऐसे उनको बार बार बताना पड़ता है। ऐसे हमारा मन भी एक छोटा बच्चा है, हमारे मन को भी बार बार बताना पड़ता है कि देखो आपने सुबह संकल्प लिया था देवानाम सुमतौ स्याम और अब प्रमाद कर रहे हो, तो बच्चे ये ठीक बात नहीं है, अपने मन को कहना होता है ऐसे। तो इसलिए फिर हम यज्ञ में भी मंत्र बोलते हैं, फिर हम नाश्ते के टाइम भी बोलते हैं, फिर पाठ पढ़ने से पहले भी बोलते हैं। तो हम थोड़ी थोड़ी देर में उसका अभ्यास करते हैं कि हम किसी भी स्तुति के माध्यम से उसके साथ कनेक्ट रहें, क्योंकि उससे इस सीमा के बाहर जाना, गुरुकुल की सीमा के बाहर जाना अपने आप में खतरे से खाली नहीं है जी। तो ऐसे ही हमारी जो चेतना का स्तर है उसमें अगर हम उसको छोड़ के निम्न स्तर में चले जाते हैं तो वो हमारे लिए खतरों से खाली नहीं है। आपने
सुबह सुबह 2-3 घंटा तो याद रखा इसको जी। दिन में भूल गई, यज्ञ करते समय तो याद रखा, यज्ञ के बाद भूल गई। तो ये ऐसे ही हो जाएगा जैसे हमने किसी पौधे को सुबह सुबह तो गंगा जल से सींचा, अलकनंदा के जल से सींचा, और दोपहर में लाके उस पौधे के ऊपर तेजाब डाल दी, तो अब पौधा फलेगा कि जलेगा? क्यों? तेजाब डाल दी। तो ऐसे ही हम जब बुरे संकल्प के पकड़ में आ जाते हैं, बुरा विचार हमारे मन में आ जाता है, तो फिर अच्छे वाला अपने आप ही नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। गंगा जल का प्रभाव अपने आप नष्ट हो जाएगा, तेजाब डाल दो थोड़ी सी उसके ऊपर। तो हमें अपने मन को बार 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 ये जो प्रार्थनाएं हैं, ये जो मंत्र पाठ है, उपासना है, और उसमें भी सामूहिक रूप से, ये भी एक बहुत ऋषियों ने ऐसे सोचा कि गुरुकुल में आश्रम में जो रहने वाले बच्चे हैं तो उनको तो पहले दिन ही गुरु बता देता है जी। कि आपके जीवन का उद्देश्य सामान्य लोगों के जैसा नहीं है जी। आप कुछ विशेष करने के लिए इस धरती पर आए हैं। और वो फिर बच्चों को समझ में आ गया कि हमें स्पेशल बनना है, किसी भी फील्ड में जाएं, हम किस फील्ड में जाएंगे वो भविष्य तय करेगा जी। किसी में भी जाएं, लेकिन हम किसी भी फील्ड में जाएं, हम एक आदर्श इंसान बन के रहेंगे। हम कृषि भी करेंगे तो आदर्श किसान बनेंगे, हम सीमा पे भी जाएंगे तो आदर्श जवान होंगे। तो इसलिए वो सामूहिक रूप से, जैसे यहाँ आप बैठते हो ना बच्चों यज्ञशाला में, और यज्ञ से पहले यदि आप ऐसे ध्यान से बैठ करके, और जब आप मंत्र पाठ करते हो उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रीहि त्वम् इष्टापूर्ते सगम सृजे थामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस मंत्र का अर्थ याद है किसी को? मंत्र का अर्थ बताएंगे कोई? तो एक तो मंत्रों के अर्थ भी आपको आने चाहिए, और वो रटना नहीं, उनको समझना है। उद्बुद्धस्व अग्ने, ये संबोधन है, हे अग्ने उद्बुद्ध होवो, मतलब जलो। उद्बुद्धस्व अग्ने प्रतिजाग्रीहि, जागृत हो जाओ, क्योंकि आप कैसे हो? त्वम इष्टा पूर्ते, हे अग्निदेव आप हमारी सब इच्छाओं को पूरा करने वाले हो। तो जब आप ऐसे बोल रहे हैं तो आप किसके साथ बातचीत कर रहे हो? तो आपकी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? अग्नि के ऊपर, और आप अग्नि से बात कर रहे हैं। तो हम इष्टा पूर्ते संसृजेथाम, आप स्थापित हो जाओ। अयं संसृजेथाम अयंच अस्मिन् सदस्थे, ये जो वेदी का है, अस्मिन् मतलब इस वेदी का के, इसके चारों तरफ विश्वे देवा, विश्वे मतलब सारे संपूर्ण, विश्व का एक अर्थ तो विश्व होता है, और विश्व का एक अर्थ क्या होता है? संपूर्ण। विश्वे देवा, जितनी भी देवी शक्तियां, जितने भी देव इस सृष्टि में काम कर रहे हैं, चाहे वो अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है, ऋषि हैं, जितनी भी देवी शक्तियां हैं, वो सरस्वती है, दुर्गा है, हनुमान जी है, शिव जी है, जो जिस रूप में देवी को मानता है, दिव्य शक्ति को मानता है, ये अलग अलग नाम है, कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान की शक्तियों की। तो हम कह रहे हैं विश्वे देवा यजमानश्च, यजमान और सभी देवता, अस्मिन् सदस्थे विश्वे देवा यजमानश्च सीदत, सीदत माने बैठ जाएं। तो यजमान केवल वो नहीं होता है जो घी की आहुति डालता है, वो तो हमने रूढ़ कर दिया कि हम उसको यजमान कहेंगे। यजमान वो है जो सब यजन करने के लिए बैठे हैं। तो आपके साथ आकर के और कौन बैठते हैं वहां पर? सभी देव, सभी देवता, सब देवता आते हैं, और फिर हम उनको बुलाते हैं पहले, फिर उनको हम आहुतियां देते हैं, अपनी श्रद्धा उनको अर्पित करते हैं। तो जो डाल रहा है आहुति, इदम अग्नि इदं नमम इदं सोमाय इदं नमम, वो भी कह रहा है, और जो बोल रहा है ना, वो अपने हृदय से उसको अपनी भक्ति श्रद्धा समर्पित कर रहा है उन शक्तियों को।
तो पहले तो आप मेरे को यहाँ गुरुकुल में बुलाओ, दीदी आ जाओ ना आप हमारे यहाँ, कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं आया है। और फिर आने के बाद ना तो आप मेरे को खाना खिलाओ और ना मेरे को बैठने के लिए आसन दो और ना मेरे से आप बातचीत करो, तो मेरे को कैसा लगेगा? चलो मेरा छोड़ो, आपको कोई बुला के आपके साथ ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा, आपको तो बहुत बुरा लगेगा और मेरे को बुरा लगेगा, मेरे बारे में कह रहे हैं बुरा और मैंने कहा आपको कह रहे बहुत बुरा। अच्छा, अच्छी बात है। तो जैसे आपको बहुत बुरा लगता है ऐसे देवों को भी बहुत बुरा लगेगा अगर आप उनको बुला रहे हो। पहले तो मंत्र बोल रहे हो तो बुला रहे हो ना, और जब वो आ गए उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ध्यान दे रहे हो बंदर की तरफ, ध्यान दे रहे हो खेल में, उन्हें उसको उछाल रहे हो पानी को, या अपने चम्मच से ऐसे ऐसे करके और दूसरे को और ऐसे मार देते हो, छोटे छोटे कंकर उठा के पिट्ठू, छोटे छोटे कंकर वहाँ पिट्ठू बनाते रहते हो, कागज फाड़ के पिट्ठू या छोटा सा कंकर उठा के दूसरे को मारते हो, तो वो देव देखते हैं इसने मेरे को बुलाया था, ये मेरे से बात ही नहीं कर रही है, उनको अच्छा नहीं लगता है। फिर ये तो मैंने एक मंत्र का अर्थ बताया, तो अगर आप उस समय ये भावना करें कि हमने सब दैवी शक्तियों को बुलाया है और हम अब इनका पूरा यजन कर रहे हैं, हम इनको आहुति दे रहे हैं और ये भी यहाँ से जाते समय हमें अपने आशीष दे करके जाएं, तो आपको वो यज्ञ करते करते इतनी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी कि आप जो एक घंटे में याद करते हो वो 10 मिनट में याद हो जाएगा जी। क्योंकि वो दैवी शक्तियाँ आपको फटाफट याद करवा देंगी। आपने ऐसी फिल्म देखी कि जो भक्त होते हैं जो बच्चे, तो उनका काम भगवान जी कैसे कर देते हैं? फटाफट, फास्ट। उनको कोई भी काम करना होता है ना तो वो तो बस ऐसे थोड़ा सा हाथ लगाते हैं, बाकी भगवान जी फटाफट फटाफट कर देते हैं। तो वो भगवान जी केवल उन बच्चों के लिए नहीं करते हैं, आपके लिए भी कर देंगे, आपको ही निमित्त बनाएंगे, आपके अंदर ही बैठ जाएंगे, पहले से भी बैठे ही हैं। तो ये सामूहिक प्रार्थना करने का, उपासना करने का, यज्ञ करने का बहुत बड़ा फल है। आप अकेले यज्ञ करते तो वहाँ एक गुणा शक्ति बनती आपकी प्रार्थनाओं की, अब 100 लोग मिलके बुला रहे हैं तो निश्चित रूप से आएंगे। जब मैं अकेली बुलाऊं स्वामी जी को तो स्वामी जी कहेंगे अभी तो बहुत सारे काम है, और जब सारे बच्चे मिलके हड़ताल कर दें यहाँ कि खाना तब तक नहीं खाएंगे जब स्वामी जी नहीं आ जाएंगे, वैसे करना मत, कभी आप बोलो कि आपने तो मंत्र बता दिया तो फिर क्या होगा, फिर तो आना पड़ेगा क्योंकि इतने बच्चों का सवाल है भाई। तो अगर आप देवताओं को अकेले बुलाएं तो हो सकता है वो कहें कि हम बिजी हैं, लेकिन 100 बच्चे मिलके बुलाएं तो उनको आना पड़ेगा, क्योंकि देवताओं का तो काम ही यह है कि उनको जो बुलाएं श्रद्धा भक्ति से वहां वो जाएं और उनको आशीष दें। और तो देवताओं को कोई खेती करनी नहीं, कोई बच्चे पैदा करने नहीं, उनको पढ़ाना नहीं, शादी करनी नहीं, मकान बनाना नहीं, कोई काम नहीं है देवताओं को, और उनका एक ही काम है जो बुलाएं उनके पास जाना, उनको आशीष देना। तो जो आपके आचार्य जी ने प्रश्न पूछा कि हम सामूहिक रूप से करते हैं तो उसका क्या फल है, बहुत बड़ा फल है उसका। अकेले व्यक्ति को कभी कभी गीता याद करने में, अष्टाध्याय याद करने में थोड़ा आलस्य आ सकता है, पर जब आपके 4-5 साथी बैठ के कर रहे होते हैं तो फिर आपको लगता है मैं भी करूं नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगी। तो आपको याद करने में दूसरे साथी क्या करते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो आपके आचार्य जी का ये 2 प्रश्नों में ही काफी टाइम हो गया, तो अभी तो हमारे अब तो शायद इनके अध्यापिकाओं के भी प्रश्न अभी बच रहे हैं और बच्चों का भी शायद अभी और प्रश्न उठे होंगे। तो चलो, आपके कोई प्रश्न है जी? अभी हो गए, शुभांगिनी जी का हो गया, चलो आपका एक प्रश्न ले लेते हैं। इनको ये वाला माइक दे दो, उधर आप इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ। अच्छा जी, आपने बताया कि गुरुकुल प्रणाली जो है वो अच्छी है और ये तो हम भी मानते हैं,
लेकिन आज के समाज में वो तो सबसे ज़्यादा इधर उधर हो चुका है, मतलब वो बिगड़ चुका है एक तरफ से। और फिर उसको उठाने में, उसको बढ़ाने में स्वामी जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आगे चलकर हम भी करेंगे। पर जो राज्य, हमारे जो प्रजातंत्र, मतलब जो राजतंत्र है, मतलब आजकल के जो आज की जो व्यवस्था है, हाँ राजनीतिक व्यवस्था, हाँ राजनीतिक व्यवस्था है, फिर उसमें कैसे बदलाव किया जाए कि वहाँ से बदलाव हो, तो ज़्यादा जल्दी बदलाव हो सकता है। तो फिर ऐसे करने में हमारा आपका क्या उपाय है? तो काफ़ी तो बदली है महाराज जी ने। पहले जो सरकार थी तो उसमें तो रोजाना घोटाले होते थे, और अब जो सरकार है तो उन्होंने कई फैसले तो बहुत अच्छे किए हैं ना, और अभी भी लगे हुए हैं। और फिर हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, और फिर सभी धर्मों के मानने वाले तो होंगे नहीं कि सभी धर्म माने। और फिर एक तरफ तो मदरसा चलता है जिसमें उल्टी शिक्षाएं दी जाती हैं, और एक तरफ हमारा गुरुकुल चलता है, तो फिर उनको एक एक तरफ लाने का, एक सही रास्ते पर लाने का क्या उपाय है? बड़ी बात पूछी शुभांगिनी जी ने। तो इसका बेटा, भारत के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें शिक्षा व्यवस्था में ऑप्शन हो। शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के लिए एक ही होती है, चाहे वो यूके है, चाहे यूएसए है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है। वहाँ ऐसा नहीं कर सकते कि धनवान जो लोग हैं उनके बच्चों को हम ये शिक्षा दे दें, गरीब को ऐसी दे दें, ऐसा नहीं है। तो एक तरह से मतलब आधी गुरुकुलीय व्यवस्था तो वो भी फॉलो कर रहे हैं। जैसे अपने यहाँ एक ही शिक्षा व्यवस्था थी, गुरुकुल वाली ही, अलग नहीं थी। बस उसमें ये है कि उनको इतना नहीं पता कि हम इनका आध्यात्मिक विकास भी करें, हाँ इतनी कमी है। लेकिन हमारे देश में ऐसा है कि कहीं मदरसे हैं, ये सारे जो आतंकवादी या ये घटिया सोच वाले जो पैदा हो रहे हैं, तो उनके मूल में वो गलत शिक्षा ही है। क्योंकि वहाँ बचपन से ही बच्चों के दिमाग में ये भर दिया जाता है कि आप जितना लोगों को हलाल करेंगे, जितना आप उनको काफिरों को जितना मारेंगे, उतना ही आपको जन्नत मिलेगी। बच्चे को ऐसे समझा दिया, यदि इसमें बच्चे का दोष नहीं है, शिक्षा व्यवस्था का दोष। हमारे यहाँ ये समझाया जाता है घुट्टी में ही अहिंसा परमो धर्म है, ये किसी चींटी को भी हिंसा नहीं करना। हाँ तो शिक्षा व्यवस्था तो निश्चित रूप से एक जैसी होनी चाहिए, और वो होगी, क्योंकि आवश्यकता तो आविष्कार की जननी है, अभी उसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। और रही बात आपने पूछा राजनीतिक व्यवस्था, तो जब ये ऐसी आगे जो राजनेता भी बनेंगे तो वो भी वही बच्चे बनेंगे ना जो आज बच्चे हैं, तो 20 साल के बाद, 15 साल के बाद जब वो युवा होंगे, तो आप इतने पावरफुल बने कि आप उन सब के ऊपर हावी हो जाएं। जैसे स्वामी जी महाराज से पहले भी तो उद्योग करते ही थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति से, अपने पुरुषार्थ से अपना वर्चस्व ऐसा बनाया कि वो उनके पैरेलल नहीं, बल्कि आज कहीं ना कहीं उनसे, उनको बीट कर गए हैं। जिससे इतना ऊपर, वो तो अपने शास्त्र है ना, हमारे शास्त्रों में, वेद में या अन्य भी अपने आर्ष ग्रंथ हैं, उसमें कोई ऐसा पक्ष छूटा नहीं है कि जहाँ से हमें ये पता ना लगे कि हम इसको कैसे चलाएं। तो राजनीति के लिए अलग व्यवस्था है वेद में, अध्यात्म की अलग है, गृहस्थ की अलग है, ब्रह्मचारी की अलग है, चारों वर्ण आश्रमों की अलग अलग है। तो वो तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, पूरा खजाना है हमारे पास, हमें उसको यूज कैसे करना है, बस वो आप जैसे जैसे पढ़ाई करते जाएंगे, विकसित होते जाएंगे, आप उसको जानते जाएंगे, आपका जीवन देख के दूसरे लोग आपको फॉलो करते जाएंगे। स्वामी जी एक व्यक्ति जगे, उनके साथ श्रद्धे आचार्य जी जगे, तो उनको फॉलो करने के लिए आज 5000 स्टूडेंट तो अपने यहाँ पढ़ रहे हैं हरिद्वार में। और फिर उनको देख करके प्रेरित होने वाले देश में, जैसे अभी अपना भारतीय शिक्षा बोर्ड की बात चल रही है, तो लाखों लोग फोन करते हैं कि बाबा जी आपका वो कब तक बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम भी अपने स्कूल को आपके साथ जोड़ना चाहते हैं। तो सब लोग हमें फॉलो करेंगे बेटा फिर, क्योंकि व्यक्ति को आपने ग्रामीण भाषा में एक शब्द सुना होगा, चमत्कार को नमस्कार है। जो व्यक्ति अपने जीवन से कर दिखाता है ना, उसको सब फॉलो करते हैं। और जो ये शोर मचाता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा झंडा ऊंचा है, सब मेरे पीछे आओ, उसके पीछे दो चार लोग तो आएंगे, सब नहीं आ सकते। योग के लिए कितने लोगों ने विरोध किया कि आप योग के लिए, योग से रोग ठीक होते हैं,
रोग क्योर होते हैं, ये शब्द आप मत बोलो, लेकिन जब लोगों ने करके देखा तो जो विरोध करने वाले थे वो अपने आप ही चुप हो गए। और आज तो जो विरोध करने वाले हैं, दिन में विरोध भी करते हैं ना, वो सुबह योग करके जाते हैं ताकि एनर्जी अच्छी आ जाती है विरोध करने के लिए, तो वो भी करते हैं चुपके चुपके। आज जो विरोध करने कोरोनिल का, वो भी सुबह पहले काढ़ा पीते हैं फिर दिन में जा करके विरोध करते हैं। बोले भाई ये वहाँ जाके मतलब जिंदाबाद मुर्दाबाद भी करना लगा, और कोई संक्रमित व्यक्ति आ गया तो अपने को कहीं लगना जाए तो पहले काढ़ा पी के फिर वहाँ जाएंगे हम बाहर। तो हमें खुद को दुनिया को व्यवस्थित करने की बदलने की बात नहीं सोचनी है। अगर आप सारी धरती को बदलना चाहते हो तो उसकी शुरुआत कहीं से तो करनी होगी ना, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्वयं से। पक्का? तो ध्वनि एक बालिका की क्यों आई? अगर आपको सारी देश दुनिया धरती बदलनी है तो शुरुआत कहाँ से करनी होगी? स्वयं से। तो बस आप स्वयं से लग जाओ और फिर आप देखना जमाना बदलता चला जाएगा। तो एक अंतिम प्रश्न बिंदु जी का ले लेते हैं। चलो आप इनका इनको बहन को दे दो। ओम दीदी, जैसे आपने बताया था कि जो भी हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारे डिसाइड होते हैं कि हम आगे जाके क्या बनेंगे या क्या करेंगे। जी जी। अब जैसे एक माता पिता हैं, उसकी दो संतान हैं, एक तो बहुत अच्छी है मतलब सब चीज़ों में वो ठीक है, और एक ही एक जो दूसरा संतान है उसकी वो बेकार या ख़राब निकल आती है। जी जी। तो उसमें चलो उनके तो संस्कार है उन बच्चों के भी खुद के, लेकिन उनकी वजह से उनके माँ बाप को भी परेशानी झेलनी पड़ती है, तो क्या उसमें उस माँ बाप के भी संस्कार आते हैं? इनका अच्छा प्रश्न है। ये कह रही है कि हम कहते हैं भी संस्कार के अनुसार फल मिलता है, तो अब एक माता पिता के दो विरुद्ध संतान हो गई, तो हम क्या माने माता पिता के संस्कार बहुत अच्छे थे ताकि उनको अच्छा बच्चा मिला, या उनके बहुत बुरे थे? मतलब क्या माने हम, उनके संस्कार कैसे थे? तो उनके संस्कार भी तो दोनों माने जाएंगे। कुछ उनके अच्छे थे तो इसलिए उनको एक बच्चा बहुत अच्छा मिला, कुछ उनके ऐसे थे कि उनको उन्होंने कुछ त्रुटियां भी की थी तो इसलिए उनको एक संतान ऐसी मिली। प्लस एक बात इसमें मैं और ऐड कर देती हूँ, टाइम हो गया यद्यपि, तो उसके बाद भी ले लेंगे आपका प्रश्न, कोई बात नहीं है। पीछे के संस्कार कितने भी अच्छे या बुरे कैसे भी क्यों ना हों, पर आज हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उनको चेंज कर सकते हैं। ये मनुष्यों को केवल ये सौभाग्य मिला है, उसके अतिरिक्त ना किसी अन्य पशु पक्षी योनि में है ये सौभाग्य, और यहाँ तक कि देवताओं को भी नहीं है ये सौभाग्य। वो भी देवत्व के अलावा और कुछ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ना नीचे आ सकते हैं। लेकिन मनुष्य के पास ये ऑप्शन है कि वो बहुत नीचे भी गिर सकता है और वो देवत्व को प्राप्त कर सकता है, और उससे भी ऊपर वो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। तो मुझे लगता है आज तो इनका हो गया टाइम, और बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं आज देवश्रुति जी ने भी, और आपका भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और आगे भी हम इसको जारी रखेंगे, लेकिन आज इस सत्र को विराम देना पड़ेगा क्योंकि बच्चों का टाइम भी हो गया भोजन का, और कैमरामैन का भी टाइम हो गया। तो आप सभी का धन्यवाद करते हुए आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।